ये है Redmi Note 12 जिसकी कीमत अभी अनाउंस नहीं हुई, लेकिन 15,000 के अंदर ये फोन आने वाला है। मेरे ख्याल से 13,000 रुपए के आसपास ये फोन लॉन्च होगा और ये एक नया एडिशन है Redmi Note 12 सीरीज में। लेकिन एक बहुत बड़ा जो कंफ्यूजन है या फिर एक सवाल है वो ये है कि ये फोन एक 4G फोन है जबकि Note 12 सीरीज पूरी की पूरी एक 5G सीरीज थी। तो क्यों Xiaomi ने इस फोन को या Redmi ने इस फोन को एक 4G फोन की तरह उतारा है मार्केट में, इसका जो जवाब है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और अपने फर्स्ट इंप्रेशंस भी दूंगा। फोन अभी खुला भी नहीं है तो एक अनबॉक्सिंग भी हो जाएगी और आपको बता दूंगा कि फोन फर्स्ट इंप्रेशंस में आपको क्या क्या ऑफर करता है और एक क्विक रिव्यू भी हो जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं अनबॉक्सिंग से। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। हम करते हैं अनबॉक्स, आप कर दीजिए कैमरा नीचे। ओवरऑल Redmi की स्टैंडर्ड अनबॉक्सिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, कुछ अलग सा यहाँ पर नहीं है। इसको खोल लेते हैं। नीचे मिलेगा इसमें वही स्टैंडर्ड TPU कवर जो हमेशा से मिलता ही है। अच्छी चीज़ यह है कि Redmi अपने फोन्स के साथ इस कवर को देता है, आपको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाती है। मैनुअल्स हैं जिसको मैंने लास्ट टाइम कपड़ा होगा मुझे नहीं पता। सो ओवरऑल स्टैंडर्ड अनबॉक्सिंग। कलर की बात कर लें तो कलर है सनराइज गोल्ड। ये दो और कलर ऑप्शंस में आता है जो कि एक ब्लैक कलर है एक ब्लू कलर है। चार्जर आपको इनबॉक्स मिल जाता है। केबल देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड जो Redmi की केबल्स आपने जनरली देखी होंगी अंदर से रेड होती हैं फास्ट चार्जिंग केबल्स, वही है टाइप ए टू टाइप सी, टाइप सी टू टाइप सी नहीं है। तो ये 33 वॉट का फास्ट चार्जर है। So, उतार लेते हैं। तो ये है Redmi Note 12 4G और ये जो कलर है सनराइज गोल्ड मैंने आपको बता दिया। तो ओवरऑल डिजाइन के मामले में फोन जो है काफी अलग है और ये जो पैटर्न आजकल चल रहा है दिस शिमरी सा और ये ग्लिटरी सा पैटर्न, ये बहुत ज्यादा आजकल कॉमन हो गया। बहुत सारे ब्रांड्स इस कलर को दे रहे हैं या फिर इस पैटर्न को दे रहे हैं। ठीक ठाक कलर है, मैं ऐसे जनरली ग्रेडिएंट वाले कलर्स पसंद नहीं करता हूं लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बम्प है कैमरा का ये बहुत ज्यादा आइडेंटिकल है विद द iPhone 14 और 13 और 11 सीरीज। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, ऊपर नीचे कौन सा है वो आप मुझे कमेंट्स बता सकते हैं। एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी है क्योंकि मेरे ख्याल से 3 कैमरा ज़्यादा अच्छे लगते हैं 2 अच्छे कैमराज के बजाय। तो और यहाँ पर आपको LED फ्लैश मिल जाता है। तो डायमेंशन के मामले में फ़ोन काफ़ी अच्छा लगता है, लाइट वेट है तो आपको इसको पॉकेट में रखते वक्त या फिर कैरी करते वक्त थोड़ा सा भी ऐसे भार महसूस नहीं होता फ़ोन पर। और एक और चीज़ यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, कौन सा वर्जन है वो नहीं पता लेकिन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। एग्जैक्ट जो वर्जन है ऑफ दैट ग्लास वो Xiaomi ने रिवील नहीं करा है बट यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है विच मीन्स कि एटलीस्ट 3 तो होगा ही होगा इस प्राइस के अंदर। जो बैक है वो प्लास्टिक का ही है तो आपको ये स्क्रैचेस से डेफिनेटली बचा लेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैट वाला फिनिश है। तो बात कर लेते हैं पोर्ट्स की। तो यहाँ पर आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पर है इसका स्पीकर ग्रिल, यहाँ पर है इसका प्राइमरी माइक्रोफोन, इस तरफ है इसका वॉल्यूम रॉकर और इसका फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि इसका पावर अनलॉक बटन भी है। ऊपर की तरफ इसका IR ब्लास्टर जो अच्छी चीज़ है कि Redmi अपने बजट फोन्स में और सभी फोन्स में मोस्टली ये IR ब्लास्टर देता है जिसकी वजह से आप अपने फ़ोन से AC TV बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं जब आपका रिमोट खो जाता है। यहाँ पर हेडफोन जैक है तो सिम ट्रे, यहाँ पर आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगी मतलब कि आप इसकी मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं और साथ ही 2 सिम लगा सकते हैं जो कि 4G होने वाली है। तो बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो यहाँ पर आपको मिलती है 6.67 इंचेस की एक फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले, 1200 निट्स का पीक ब्राइटनेस है और यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी मिलता है। ये तो डिस्प्ले के जो स्पेक्स है लेकिन अगर डिजाइन की बात करूँ डिस्प्ले के अराउंड तो यहाँ पर आपको एक अच्छे खासे साइज का बेजल जो है वो देखने को मिल रहा होगा। नीचे की तरफ एक ठीक साइज का चिन भी है लेकिन मैं ज्यादा कंप्लेंट नहीं करूंगा क्योंकि एक 15,000 के नीचे का फोन है, 12-13,000 रुपए के आसपास लॉन्च हो सकता है तो उस प्राइस रेंज पर ये डिस्प्ले ठीक है क्योंकि यहाँ पर आपको AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है वो भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। तो यहाँ पर 60 हर्ट्ज है और फिर दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास वो मैक्स 120 हर्ट्ज है, कोई भी वेरिएबल मतलब कि 60, 90 या फिर 30 तक जाने का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आपको अच्छे खासे साइज की जो है डिस्प्ले के साथ साथ आपको एक अच्छी ब्राइटनेस मिलती है और जो कलर्स हैं यहाँ पर काफी अच्छे नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको DCI-P3 कलर गैमेट का जो 100% स्कोर है वो यहाँ पर Redmi ने क्लेम किया हुआ है जिसकी वजह से आपको अच्छे कलर्स अच्छी ब्राइटनेस जो है देखने को मिल रही है कंसिडरिंग द प्राइस रेंज। अगर बात करूं मैं इसके साउंड की तो यहाँ पर आपको मोनो सेटअप मिलता है ना ही स्टीरियो, तो इस प्राइस रेंज पर मैं ज्यादा कंप्लेन नहीं करूंगा। तो ये तो था ओवरऑल डिस्प्ले एंड साउंड की बात, हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कैमरा की। सो यहाँ पर आपको एक ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जैसे मैंने आपको बताया, 50 मेगापिक्सल का मेन, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। LED फ्लैश ऊपर से मिल जाता है आपको। तो मैं एक बार कैमरा UI के अंदर जाना चाहूंगा और आपको दिखाना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये इसकी UI है और यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड 50 मेगापिक्सल का मोड मिल जाता है, शॉर्ट वीडियो, पनोरमा,
स्लो मोशन, टाइम लैप्स, इस तरह के सारे फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। वीडियो के अंदर यहाँ पर मिल जाता है 1080p at 30fps, मतलब कि यहाँ पर आप 1080p at 60fps शूट नहीं कर सकते, लेकिन इस प्राइस रेंज के अंदर ज़्यादा लोग इस तरह के फीचर्स को शायद नहीं ढूंढते। तो सेल्फी कैमरा जो है 13 मेगापिक्सल का, उसका कैमरा आउटपुट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जो ओवरऑल जिस तरह से फोटोज़ बैलेंस हुई है, चाहे वो एक्सपोजर हो या फिर कलर्स हो, वो काफ़ी अच्छे निकल कर आए। और यहाँ पर इसका ये पोर्ट्रेट मोड भी है, उसका आउटपुट आप देख सकते हो कि जो सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन है और जो बैकग्राउंड ब्लर है वो बहुत ही नेचुरल है, और कहीं पर भी बहुत ही बारीक तरीके से देखने पर भी यहाँ पर आपको गलती नहीं दिखेगी। बालों को भी काफ़ी अच्छे से आइडेंटिफाई कराए, विच इज़ अ गुड थिंग कंसिडरिंग द प्राइस, प्राइस मत भूलो आप, ठीक है। उसके बाद चले अगर बैक कैमरा की, तो ये है इसका मेन कैमरा, जिससे आप कुछ इस तरह के आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका 50 मेगापिक्सल का मोड भी है, जिसमें कुछ ज़्यादा फर्क जो है देखने को नहीं मिला है। ओवरऑल कैमरा आउटपुट की बात करूं तो यहाँ पर आपको डिसेंट आउटपुट इस प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिल जाता है, लेकिन ये बहुत ही अर्ली इंप्रेशंस हैं ऑफ दिस फोन। इसका एक डिटेल्ड रिव्यू जल्दी जागरण हाईटेक पर आएगा, तो उसका इंतजार जरूर करिए। हम चलते हैं आगे और बात करते हैं परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 685, जो कि एक नया प्रोसेसर है, और अभी इससे पहले 695 जो कि 5G चिपसेट था, उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया पिछले साल बहुत सारे मिड रेंज फोन्स में, लेकिन अब ये 685 जो है ये एक 4G चिपसेट है। लेकिन यहाँ पर खासियत यह है कि ये जो चिपसेट है इसको अभी बहुत ही ज़्यादा प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी पावर एफिशिएंट और बहुत ही पावरफुल तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला फ़ोन या प्रोसेसर बताया जा रहा है। अब ये चिपसेट 6 नैनोमीटर का चिपसेट है, विच मीन्स कि बैटरी कंजप्शन भी कम होगा। यहाँ पर अगर स्टोरेज और रैम की बात करें तो यहाँ पर UFS 2.2 स्टोरेज है, साथ में LPDDR4X रैम है, तो ओवरऑल एक डिसेंट पैकेज है इस हार्डवेयर के मामले में इस प्राइस रेंज के अंदर। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि ये रन करता है MIUI 14 पर, जो कि बेस्ड है Android 13 पर, और कंपनी का कहना है कि यहाँ पर आपको 2 साल के मेजर OS अपडेट्स मिलेंगे और साथ ही 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स, तो आप Android 14 और Android 15 तक जा सकेंगे। लेकिन एक चालाकी की बात आपको बताता हूँ कि Xiaomi क्या करता है कि आपके MIUI 14 यहाँ पर दिख रहा है तो आपको ऐसा लगता है कि आप Android 14 पर रन कर रहे हो। इट्स अ वेरी स्मार्ट ट्रिक जो है Xiaomi यहाँ पर खेलता है। सो अब परफॉर्मेंस की बात हो रही है, OS की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैं आपको इसमें बता दूँ कि कैसा कैसा ब्लोटवेयर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा ब्लोटवेयर जो है, मी रिमोट है, MI रिमोट जो होता है इसका, कैलकुलेटर्स का खुद का जो है, इस तरह की ऐप्स बहुत सारी देखने को मिल जाती हैं, प्राइम वीडियो, फेसबुक, अमेजन, लिंक्डइन, स्पॉटिफाई, मौज ऐप, और साथ ही आपको कुछ गेम्स मिल जाते हैं, स्नैपचैट मिल जाते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सरदर्दी ब्रांड्स को लेना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेहनत है ये मैं कर सकता हूँ और मैं ऐप्स खुद से डाल सकता हूँ, प्लीज़ इन्हें मन डाल के दीजिए। जैसे एक चीज़ बहुत रेयर है यहाँ पर, ये देखो ओपरा ब्राउज़र दिया हुआ है भाई, एक खो गया था कहीं, पता नहीं कहाँ से वापस आया, कमबैक। आगे बढ़े तो अगर बात करें कि फ़ोन में अभी भी 4G चिपसेट क्यों है, तो उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि अगर मैं खुद के यूसेज की बात करूँ, मैं एक 5G फ़ोन यूज़ करता हूँ, लेकिन दिन भर अच्छे खासे यूसेज के बाद भी मेरा ओवरऑल जो यूसेज है उसमें 5G का रोल ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 30% होता होगा। मेजरली मैं 4G नेटवर्क पर ही होता हूँ, जबकि मैं एक मेट्रो सिटी में हूँ। लेकिन अगर ये सेम बात करें किसी टीयर 3 सिटी की या फिर किसी गांव देहात की, तो अभी भी वहां पर 4G नेटवर्क ही बहुत ही मुश्किल से पहुंच पाता है। मेरे ख्याल से वहां पर एक 4G चिपसेट डालकर बाकी चीज़ों पर बहुत अच्छे से ध्यान देना, जैसे कि वो कैमरा सेटअप है और साथ ही अच्छा डिस्प्ले है, और ये उस 5G की कमी को कंपनसेट भी कर पाता है, क्योंकि 5G चिपसेट इस वक्त काफ़ी महंगे हैं, क्योंकि अभी और भी चिपसेट आ रहे हैं बजट के अंदर, लेकिन वो बहुत सारे चिपसेट कहीं ना कहीं या फिर फोन जो हैं बहुत कहीं ना कहीं बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। फाइनली बात कर लेते हैं बैटरी की, तो यहाँ पर आपको मिलती है 5000mAh की बैटरी, जिसे चार्ज करने के लिए इनबॉक्स आता है, 33W का फास्ट चार्जर, और ये चार्जर इस बैटरी को आराम से करीबन 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर देगा। और ये जो बैटरी साइज़ है फ़ोन के वेट को देखते वक्त और इस वेट को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। अब ओवरऑल दिन का बैकअप की बात करूँ तो आपको आराम से इस चिपसेट पर और इस डिस्प्ले पर, क्योंकि AMOLED डिस्प्ले काफ़ी पावर एफिशिएंट होती है, साथ ही चिपसेट भी काफ़ी पावर एफिशिएंट है, तो ओवरऑल आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप आराम से इस पर मिल जाएगा। तो सच बताऊँ तो बैटरी के मामले में, डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर आपको कोई निराशा नहीं होने वाली। सीधा आते हैं आप मेरे वर्डिक्ट पर कि 12 से 13 हज़ार रुपये के अंदर ये फ़ोन अगर लॉन्च होता है तो क्या ये एक वैल्यू फॉर मनी या फिर एक अच्छा ऑफरिंग है फ्रॉम द रेडमी? तो मैं डेफिनेटली इसको एक यस बोलूंगा, क्योंकि अभी तक ओवरऑल जैसा मुझे फ़ोन दिख रहा है, डिज़ाइन हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो डिस्प्ले हो, एक 12-13 हज़ार के अंदर अगर आपको कैमरा डिस्प्ले मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी इंप्रेसिव थिंग, एक डिसेंट कैमरा सेटअप अभी फर्स्ट इंप्रेशन मुझे देखने को मिला है, तो ओवरऑल 12-13 हज़ार रुपये में 4G फ़ोन के साथ अगर आप अभी भी जाना चाहते हैं या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर आने वाले 2-3 साल तो आप अच्छे से 5G इस्तेमाल ना कर पाएँ, तो मेरे ख्याल से ये लेने में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है।
तो ये तो थे मेरे अर्ली इंप्रेशंस ऑन द रेडमी नोट 12 4G। आपको ये फोन कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे गोविंद को जागरण हाईटेक पर। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।